नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप हैं इस समय आर्यन 4-5 एजुकेशन पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ की पजल, जिसमें आप लोगों को ये फाइंड करना होगा कि कौन सा नंबर मिसिंग है। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 20 सेकंड का टाइम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा नंबर मिसिंग है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप लोगों के पास 20 सेकंड का टाइम है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 4 1 2, 2 4 1 2 और बीच में लिखा गया है 4, तो बीच में 4 कैसे आएगा, इन सभी का गुणा कर दीजिए। 2 में 4 का गुणा करेंगे 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 आएगा। अभी 16 का करना है आप लोगों को वर्गमूल, क्या आएगा आपका 4। तो इस प्रकार यहाँ पे बीच में आ जाएगा 4। तो सेम दूसरे वाले में देखिए, ये है आपका पहला वाला, दूसरे वाले में देखिए 3 × 3 × 9 × 1, ठीक है, 3 × 9, 9 में 9 का गुणा करेंगे 81, तो यहाँ पे 81 आएगा। 81 का वर्गमूल क्या आएगा, 9, और 9 यहाँ पे बीच में लिखा गया है। तो सेम प्रोसेस तीसरे वाले में करेंगे, ठीक है, 4 × 4 × 4 × 1, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16, 16 × 64, 64 का वर्गमूल निकाल देंगे आपका क्या आएगा 8। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 8, यानी पहले का आंसर है 8, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 25 17 6 है, 38 18 यहाँ पे 8 है, 89 16 यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे बताना है आपको कौन सी संख्या भरी जाएगी, तो चलिए सॉल्व करिए। तो आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 17, 25 में 17 अगर जोड़ दें तो आपका आएगा 42, लेकिन यहाँ पे है 6, तो 42 में अगर 7 से भाग कर दें तो आपका क्या आ जाएगा 6। तो दूसरे वाले में सेम प्रोसेस करिए, यहाँ पे 38 18, 38 + 18 क्या आएगा आपका 8 8 16, 3 1 4 1 5, 7 से भाग करना है, क्या आ जाएगा 8, 8 यहाँ पे भी है। तो सेम प्रोसेस तीसरे वाले में करेंगे, 89 + 16, 89 + 16, 9 6 15, 8 1 9 1 10, 7 से भाग करना है, 7 से भाग करेंगे, 7 1 7, 7 5 35, तो क्या आएगा आपका 15, यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा 15, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे 4 6 3 8, 6 10 5 12, 4 8 2, और यहाँ पे आप लोगों को बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लीजिए। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। सबसे पहले यहां पर देखिए 4 6 3 क्या लिखा गया है, 4 6 3, और यहाँ पे है 8, तो 8 कैसे आया है, 4 में 6 का गुणा कर दीजिए और भाग कर दीजिए 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, भाग करेंगे 3 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, और 8 यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। दूसरे वाले में चेक करिए, 6 का गुणा करना है 10 में और भाग करना है 5 से, ठीक है, इससे भाग करना है, तो ये आ जाएगा 60, 5 से भाग करेंगे आपका आ जाएगा 12, 12 यहाँ पे लिखा गया है। तो सेम प्रोसेस तीसरे वाले में, 4 × 8 भाग करेंगे 2 से, ठीक है, 32 भाग करेंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा 16, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका 16, आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए 81 4 36 108 है, 64 9 16 यहाँ पे 96 है, 16 49 25, और आपके यहाँ पे बताना है क्या भरा जाएगा, तो सॉल्व करिए।
तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। अगर आप लोग ध्यान दें तो 81 आपका क्या है, 9 का स्क्वायर है, 4 आपका क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये क्या है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, 81 आपका 9 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, और 36 जो है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 9 2 6 है इसे लिख लीजिए, 9 गुणे 2 गुणे 6, इन सभी का गुणा कर दीजिए। 81 9 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, इन सभी का गुणा करना है। 9 2 6, 9 दूनी 18, 18 छक्का 108, 108 यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, दूसरे वाले कॉलम में देखिए, 64 8 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का। ठीक है, तो इन सभी का गुणा करना है, 8 गुणे 3 गुणे 4। ठीक है, 8 चौके 32 दिया 96, तो क्या आएगा आपका, 96। तो यहाँ पे आपका 96 लिखा गया है। ठीक है, तो लास्ट वाले कॉलम में आप देखिए, ये है आपका 5 का स्क्वायर, ये है 7 का, और ये जो है 4 का। ठीक है, तो क्या क्या है, 4 7 5, 4 7 5, तो क्या आएगा आपका, 4 5 20 7 140। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका, 140। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही बेहतरीन पजल है ये। 2 + 3 = 5, 4 + 7 = 16, 1 + 3 = 20, 8 + 2 = आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो सॉल्व करिए, आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 2 + 3 = 5, 4 + 7 = 16। तो ध्यान से देखिएगा, 2 + 3 = 5, 5 है यहाँ पे, अब 5 को इसमें भी ऐड करना है, 5 4 9 7 16, अब 16 को यहाँ पे भी ऐड करना है, 16 1 17 3 20, 20 को यहाँ पे ऐड करेंगे, 20 8 28 2 30, तो क्या आ जाएगा आपका, 30। ठीक है, 2 + 3 = 5, तो 5 को यहाँ पे भी लेके आना है, इन सभी में ऐड कर देना है, 5 4 9 7 16, अब 16 को यहाँ पे लेके आना है, इन सभी को ऐड कर देना है, 16 1 17 3 20, 20 को यहाँ पे लेके आना है, 20 7 28 2 30, तो इसका आंसर आएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर डी है इसका। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 17 + 6 = 16, 84 + 3 = 83, 44 + 5 = 45, 57 + 9 = यहाँ पे आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करिए इसे। तो आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है। 17 + 6 = 16, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए 1 है 6 है, 1 6 मतलब यहाँ पे 16 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 है 3, तो 83 हो गया, 4 5 4 5 45, यहाँ पे 5 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 59। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 59, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सात है आपका, 4 8 20 19 2, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कौन सी संख्या भरी जाएगी, 7 7 20 113, तो सॉल्व करिए इसे भी। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 4 है 8 4 8, और यहाँ पे 20, तो सबसे पहले क्या करना है, 4 और 8 का गुणा कर दीजिए, क्या आएगा, 32। 32 में आप लोगों को क्या माइनस करना है, इन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ के माइनस कर देना है, 32 - 12 क्या आ जाएगा आपका, 20। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे वाले में करिए, तीसरा वाला चेक कर लीजिए, 7 × 20 - 7 + 20, ठीक है, तो 140 - 27,
तो करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 113, यानी ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। यहाँ पे चेक कर लीजिए दूसरे वाले में, दूसरा वाला क्या है, 19 गुणे 2 करेंगे प्लस 19 प्लस 2, ठीक है, 19 गुणे 2 माइनस 19 प्लस 2, ठीक है। और 38 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 21, ठीक है, घटा दीजिए 7 1 17 आएगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यहाँ पे क्या बढ़ा जाएगा आपका 17, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।